फैट को बढ़ाती है और एक फ्रेश अपनी बॉडी के में से फैट को कम करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसके अंदर कैलोरी लो है और चाय के अंदर कैलोरी ज्यादा होती है, ठीक है। और इसके अंदर अपने चीनी की मात्रा नहीं होती और चाय के अंदर अपने चीनी डालनी पड़ती है, ठीक है। और लिखो, ये कैल्सोल लेवल को बढ़ाती है, अपने जो चाय है वो कैलेस्ट्रोल लेवल बढ़ेगा। जिन लोगों का कैलेस्ट्रोल लेवल बढ़ता है पहले भी, या बढ़ भी सकता है आपका अगर आप चाय ज्यादा पीते हो, ठीक है। और रिफ्रेश अपनी बॉडी में से कैल्सियम लेवल को नहीं बढ़ाती, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को तेजाब बनने की शिकायत होती है चाय पीने से। चाय पीने से अपनी बॉडी के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तेजाब की प्रॉब्लम हो सकती है, और रिफ्रेश से रिफ्रेश कंट्रोल करती है, इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। और लिखे अगर बात करें, एनर्जी बहुत कम होती है चाय के अंदर, कुछ टाइम की एनर्जी होगी, जब तक अपनी बॉडी के अंदर मीठा जा रहा है, मीठा जाएगा, मीठे से अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी चाय पीने से, और इसके अंदर अपने लंबा टाइम तक एनर्जी रहेगी। जब आप एफ्रेश पियोगे इसके अंदर मीठा भी नहीं है लेकिन एनर्जी लंबा टाइम तक रहेगी, ठीक है। मतलब गंदे पदार्थ अपनी बॉडी में से निकालती नहीं है, उल्टा अपनी बॉडी में जमा होते हैं गंदे पदार्थ। जब अपनी बॉडी के अंदर ये जाएगी चाय तो अपनी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पैदा होंगे। आप हाथ के ऊपर चाय डाल के देखना, वो उसके ऊपर देखना थोड़ी देर बाद वो चिपेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अपने अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो कितने कमजोर होते हैं, तो उनके अंदर जब चाय जाएगी तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। तो जो अपने अगर बात करें एफ्रेश की, तो एफ्रेश अपनी बॉडी के ऑर्गन्स की सफाई करती है, ठीक है। अच्छे से सफाई करेगी बॉडी की, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी, वॉशरूम ज्यादा आएगा, बाथरूम ज्यादा जाना पड़ेगा, प्यास ज्यादा लगेगी पानी की, ठीक है, जो अपने रिफ्रेश पीते हैं, ठीक है। और लिखे एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है रिफ्रेश अपने। माइंड को अलर्ट की अगर बात करें, तो चाय जो है अपना माइंड की अलर्टनेस को कम करती है और रिफ्रेश अपने माइंड को अलर्ट करती है, बढ़ाती है अपनी माइंड को अलर्ट करती है, ठीक है। हाइड्रेशन लेवल की अगर बात करें, तो अपनी बॉडी में हाइड्रेशन कम करती है चाय, चाय वो घटा देती है हाइड्रेशन को। और अपने अगर बात करें रिफ्रेश की, तो ये मेंटेन रखती है, मेंटेन कर देती है हाइड्रेशन को, ठीक है। क्योंकि पानी की प्यास लगेगी, पानी आप बार बार पियोगे फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि पानी बॉडी से हाइड्रेट रहेगी, ठीक है। फिर उससे अगर बात करें सेल्स की बात करें, है ना, तो सेल्स अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं, तो सेल्स को डीएक्टिवेट करती है अपने चाय और एक्टिव करती है रिफ्रेश एक्टिव करती है सेल्स को। पाचन तंत्र को ये खराब करती है चाय, पाचन तंत्र अपना, जो अपना बॉडी का पाचन तंत्र है उसको खराब करेगी चाय, और अपने अगर रिफ्रेश पीते हैं तो ये सही करती है पाचन तंत्र को, अंदर के सिस्टम को सही करेगी, ठीक है। और लिखे अब चाय पी के देखना मुंह में कितनी स्मेल आ रही है, 10 मिनट बाद ही देख लेना, चाय पीने के बाद 10 मिनट बाद अपने मुंह को चेक करना क्या कितनी स्मेल आ रही है, ठीक है। और रिफ्रेश पी के देखना मुंह से स्मेल नहीं आती। अगर आप चाय पी लोगे तो ऐसा मन करेगा ब्रश करने का, क्योंकि स्मेल आएगी, किसी के पास नहीं बैठ पाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा खाना पड़ेगा आपको जिससे वो स्मेल दूर हो, ठीक है। तो अगर अपने रिफ्रेश पीते हैं तो ये मुंह से स्मेल नहीं आती, ठीक है। और लिखे बात करें रिफ्रेश की और चाय की, रेट की बात करें, कीमत की बात करें, तो आप घर पे बना के देखो चाय एक कप कितने में पड़ रही है, 15 से 20 रुपए एक कप चाय के लगेंगे। और अगर अपने रिफ्रेश की बात करें, ये बहुत कम मात्रा में बढ़ती है, 10-12 रुपए में अपने रिफ्रेश बन जाती है एक कप आपका, ठीक है। तो चाय अपने सस्ती पड़ेगी। और दूसरा, अपने जितने भी लोग चाय ज्यादा पीते हैं, आप चेक करो बीपी की प्रॉब्लम, एसिड बन रहा है आपकी बॉडी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, ये चीजें प्रॉब्लम आ रही है आपकी बॉडी के अंदर ज्यादातर, ठीक है। और जो लोग रिफ्रेश पीते हैं उनकी बॉडी के अंदर से ये चीजें निकलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये खाना पीना ठीक हो गया, आपकी बॉडी में कैलोरी कम जा रही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, एनर्जी आ रही है बॉडी के अंदर, तो ये चीजें होनी स्टार्ट होंगी। ये फायदे हैं रिफ्रेश के, और ये बहुत सारे फायदे हैं जो मुझे भी मिले हैं, और हमारी टीम को इधर बैठी है, बहुत सारी टीम बैठी है, उनको भी मिले हैं।